वेलकम टू वेलपर हसीब यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मेरा फेवरेट द डिक्शनरीज एंड पाइथन डिस्कस करने वाले हैं। तो डिक्शनरीज क्या होती हैं, आइए चलते हैं देखते हैं। लिस्ट, सेट और टपल हमने पढ़ लिया, अब डिक्शनरी क्या होती है पढ़ते हैं। डिक्शनरी क्या होती है, इम्यूटेबल होती है और ये कर्ली ब्रेसेस के थ्रू सेपरेट करी जाती है। सबसे पहले हम डी वेरिएबल लेते हैं, डी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं नेम, आपका नेम नहीं मेरा नेम, आप अपना भी लिख सकते हैं, डिवेलपर हसीब। उसके बाद कोमा की तरफ सेपरेट कर लो इसको, अब एंटर मारो, फिर से नेम लिखो, यहाँ पे आप कुछ और लिख सकते हो, रोल नंबर, आप अपना रोल नंबर लिख लो। तो इसके बाद मेरा रोल नंबर मेरा यूनिवर्सिटी में 1027 है, तो अब इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। प्रिंट डी, ये पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट होने वाली है। ये आप देख रहे हो किस तरह से प्रिंट हुई है। तो एक नेस्टेड डिक्शनरी होती है, वो इस डिक्शनरी के एक अंदर डिक्शनरी होती है, वो किस तरह प्रिंट करवानी है यानी कि वो किस तरह बनानी है तो वो देख। कोर्स का नेम क्या पाइथन है, तो ड्यूरेशन देख लेते हैं हम, ड्यूरेशन इसका क्या आने वाला है, ड्यूरेशन 10 डेज में आपकी पाइथन कंप्लीट करवाने वाला हूँ मैं। मैंने जब सीखी थी मुझे 3-4 महीने लग चुके थे। डेज का स्पेलिंग सही है, हाँ देख लो सही होंगे, मैंने लिखा सही होंगे। तो इसको तो करना था हमने वो मार्क्स के अंदर, तो अब ठीक है। तो यहाँ पे फी लिख लो, फी में आपको फ्री में ही करवाने वाला, तो कोई फी नहीं है इसकी। तो इसी पूरी को कॉपी कर लो, अब नीचे पेस्ट कर लो, इतना टाइम नहीं है कि मैं आप दोबारा लिखूं। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, यहाँ ये पाइथन से आप कर दो, HTML कर दो, बाकी का सब कुछ ओके है। तो प्रिंट करवा के देख लेते हैं, तो ये पूरी की पूरी प्रिंट हो गई हमारी। तो इसमें कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं, वो आपने खुद करने हैं, आपके टास्क है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा अगर आपने कर लिए, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा।